उनको लगता है कि या तो वो किसी गलतफहमी के शिकार हो गए या फिर किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी की बात मानने या नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। और जो लोग STET परीक्षा पास किए हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, वो सब लोग अगली नियुक्ति के लिए आवेदन देने के हकदार हैं। तो किसी की हकदारी या किसी का हक मारा तो नहीं जा रहा है। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, तो कोई परीक्षा होती है तो मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये तो पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट था, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं थी या नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से ये सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी नियुक्ति होगी जब छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होगी, सातवें चरण की प्रारंभ होगी।